सोलंकी जी हमारे कॉपर पेट का देखते हैं, हमारे हॉनर एमपी नासिर हुसैन साहब, तो इसीलिए हम हमारी सरकार आएगी तो हम जो कमियां मैंने बताया उन कमियों को दूर करने के लिए और उद्योग धंधे ठीक करने के लिए हम आपको अधिकार दिलाएंगे, कोशिश करेंगे और ये नौकरियां हो, जमीन के अधिकार हो और जम्मू कश्मीर में जो स्टेट का दर्जा होना वो हो, हम सभी लोग मिलकर लड़ेंगे और ये लोगों को दिला के हम रहेंगे। और इसके अलावा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखो अगर कांग्रेस पार्टी गठबंधन अलायंस करके आज नहीं लड़ती तो ए वक्फ बोर्ड के बिल को आज जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना है वो नहीं जाता था। पिछले कितने बिल्स बगैर पार्लियामेंट को सुने, डिस्कस करे, सीधा पास करके भेजते थे। आज वो स्थिति नहीं है, उनकी सरकार खुद माइनॉरिटी में है, इसीलिए आज वक्फ बोर्ड जैसा बिल आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने है। फिर भी वो अब बुलडोज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, ये हमारा वायदा है। इसीलिए आपके माध्यम से जनता तक आप पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और हम इस वक्त मैं सिर्फ एक चार वायदे इस वक्त बोलूंगा, इसके बाद में फिर राहुल जी भी आएंगे, प्रियंका जी भी आएंगी, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब भी उसमें रहेंगे, उमर अब्दुल्ला जी रहेंगे और हमारे पार्टी के लोग करण साहब रहेंगे, ऐसे सभी लोग रहेंगे। उस वक्त और चंद गारंटीज को अनाउंस करेंगे और मैं आज चार गारंटी हमारे पार्टी के ओर से, हमारे गठबंधन के ओर से मैं अनाउंस कर रहा हूं। एक, महिला सम्मान हमारा हक, परिवार के महिला प्रमुख के लिए 3,000 प्रति माह सहायता और सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के लिए 5,00,000 इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे, ये पहला वायदा, 3,000 रुपए देने का और सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5,00,000 रुपए इंटरेस्ट फ्री देने का, ये वायदा। जैसा कि हमने वायदे कर्नाटक, अपना तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश में किया था, किए हैं, वैसा ही यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में एक गठबंधन नेत्र कांग्रेस और एनसी देगी, ये पहला वायदा। दूसरा वायदा, अच्छी शहर हमारा हक है, यानी हेल्थ 25,00,000 रुपए का बीमा कवरेज हम करेंगे और हर व्यक्ति के लिए ये होगा। और उसके अलावा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जो भेजेंगे उसका 25,00,000 रुपए तक जो भी बिल होगा वो हमारे सरकार के ओर से, जैसा राजस्थान में हमने किया था वो उसी ढंग का यहाँ पर स्कीम हम लागू करें। तीसरा है, पिछड़े ओबीसी वर्ग के लिए संविधान में जो प्रावधान के अनुसार प्रोटेक्शन दिया जाएगा, क्योंकि ओबीसी के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है और उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते शाह साहब मोदी। अब आरएसएस
रिसेंटली उठाई आवाज, क्या बोलते हैं, वो ये कह रही है कि हमारे को कोई जातीय जनगणना पब्लिक वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के नहीं, ऐसा वो आज बोल रहे हैं। पहले तो पूरा विरोध करते थे वेलफेयर स्कीम्स को, आज वो मान गए, लेकिन ये हम ओबीसी को भी पूरा संविधान के दायरे में इनको उपेक्षण देंगे। चौथा है कश्मीरी पंडितों के लिए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अनाउंस किया गया था रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये हमारे चार वायदे हैं। इसके अलावा जो नए स्कीम, बिजली का हो, दूसरा हो, ये सब फिर हमारे लोग तैयार करके स्टेप बाय स्टेप इस चुनाव में एक एक करके हमारे गारंटीज आएंगे और हमारा जो मैनिफेस्टो उसमें उतारेंगे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता था, इसलिए ये कह दिया, आपसे मैं इजाजत लेता हूँ।